अर्जुन, आप नोटिस नहीं कर रही है क्या कि चमक थोड़ी कम होती जा रही है मिक्का पाजी की? जब हमने करीना बोला तो एकदम उसी चमक आ गई। मैं क्या कपूर के साथ शायद कुछ और कपूर भी आ जाए। हाँ, मिक्का पाजी होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए यार। मतलब आप कहाँ है ना? हाँ, तो किया का तो होना बहुत जरूरी है। ऑडियंस क्या कहते हैं? प्लीज वेलकम हमारी किया करीना कपूर। इधर है। ये कौन है? मल्लिका की एंट्री ऐसे नहीं होती बेटा। उन्होंने मुझे कहा है कि पप्पू तू अपना प्लीज मुंह उधर रखना। वो कहती मैं जैसे आऊं मेरे सामने डस्टबिन ना पड़ा हो। अर्जुन अंकल, आपको पता है इसकी फैमिली कैसी है? पापा इसके पंजाब से हैं, मम्मी इसकी यूपी से है, दादी इसकी महाराष्ट्र से है, और इसकी खुद की शक्ल देखो, ऐसे नहीं लगता मार्केट में बड़े वाले आलू लॉन्च हो गए। और खुद ये जो एकदम अलग टाइप का खरबूजा आया मार्केट में उसका क्या? और तू जो झाड़ लपेट के आया वो? अरे भैया, अच्छी बात है चिड़िया अपनी अपनी जगह बैठी है। कहीं कोई गलत चिड़ी बैठी होती तो चोंच मारती ना, फिर ये बैठ नहीं पाता। करीना जी को मिलना है अभी। हाँ, उन्होंने ये गिफ्ट भेजा है, कहती जब तक पप्पू और अर्जुन ये नहीं पहनेंगे ना मैं नहीं आऊंगी। आप चाहते हैं कि खूबसूरती हमसे दूर रहे? नहीं, नहीं ना, ये लो फिर वो पहनो, मेरी बेब्स आ ही रही। क्या भेजा है? बेब्स? क्या भेजा? अरे वाह, ये तो जिंदगी भर मैं सर पे खाता था, पहली बार पांव में पहनूंगा। और दार ताली हो जाए करीना कपूर के लिए। ऐसे लग रहा था कि ऐसे शक्कर का पेड़ा आ रहा है और ये काली काली चींटियां लगी हुई है। आज मैंने फ्लैट्स पहने और आप लोगों ने हील्स पहने। नहीं, इन्होंने पहना, बोला कि यू वांट कम आया था। पर आपके हील्स कहाँ हैं? बेब्स, ये हील्स में क्यों आ रहे हो? क्योंकि यही जोड़ी सेट लग रही है ना। मैं तो सारे हील्स पहनता हूँ, टूट जाते, यहाँ तक कि बड़े वाले हील में भी चढ़ता हूँ वो भी टूट जाता है अंकल। एक मिनट। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे को ना ये बहुत वैसे बोला ही नहीं जाता, करीना कपूर सैफ अली खान ऐसे नहीं होना चाहिए था, चिंटू करीना शर्मा। अरे नहीं, करीना सिंह कैसा लगता, देखो पता एकदम जम जाता करीना। जम रहा है। रहने दो, रहने दो। मिका जी। अपनी प्यारी सी बेबो सिर्फ चिंटू के साथ ही सही लगती, क्यों दोस्तों? छोटा बेबो, छोटा चिंटू, ऐसे ना करो मेरे से बोला नहीं जाएगा। चिंटू उनके रिलेटिव का भी नाम है, पता है ना तुम्हें? ऋषि कपूर का पेट नेम चिंटू है। हाँ तो कोई बात नहीं, सारे टैलेंटेड लोगों का नाम चिंटू ही होता है। हाँ ये, लेकिन कृष्णा लोग कुछ भी नहीं कर पाते। अरे बेटा मेहमान घर पे, उनको बिठा देते। करीना जी आइए, बैठिए। खैर अर्जुन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कमाल कमाल की हीरोइनों के साथ काम किया अर्जुन ने, मतलब पहली फिल्म में परिणीति थी, फिर उसके बाद दीपिका के साथ काम किया, फिर आलिया के साथ काम किया, अब करीना जी के साथ काम कर रहे हैं आप। मतलब आप हीरोइन रिपीट नहीं करते है ना? मतलब हीरोइन रिपीट नहीं करते कि हीरोइनें आपके साथ काम नहीं करती, मतलब क्या चक्कर है? पेरेंट्स फ्रेश होनी चाहिए ना, फिर कुछ नया लगता तो है। इसके बाद मेरे साथ काम नहीं करो? नहीं, मैं तो हर रोज काम, मैं तो हर बार काम करूँ तुम्हारे साथ, पर प्रॉब्लम ये कि ये टाइप की यूनिक फिल्म मिलना बहुत मुश्किल है ना, जिसके लिए बहुत जरूरी था कि कास्टिंग भी थोड़ी अतरंगी हो। और इसमें ये भाभी का रोल कर रहे हैं करीना जी, है ना? मतलब हाँ, ये वाइफ हैं, हस्बैंड आप हैं जी, बिल्कुल। मतलब ये एकदम घर में कौशल्या भाभी हैं। हाँ। लेकिन हरकतें इनकी सविता भाभी जैसी, हमने हाँ, मैंने अर्जुन की बड़ी फिल्में देखी, गुंडे तेवर। सडन ये भाभियों वाला रोल क्यों? हाँ मतलब ऐसा क्यों है अर्जुन? मेरा मन कर रहा था करने को, तेरा क्या जाता है? हाँ तो क्या हो गया? ऐसा मेरा मन करता है कभी कभी मैं बोलूं, जब लोग पूछते हैं आपने ये अलग रोल क्यों चुना, जब अलग चुनो तो प्रॉब्लम, अलग नहीं चुनो तो प्रॉब्लम। क्या माजरा है? अच्छा, क्या करना है? एक मिनट भाई, हमने थोड़ी बोला था खतरों के खिलाड़ी करो, इतना गुस्सा भरा है आपने। बेब्स, आप बताइए ये की और का के बारे में क्या है? ये बेब्स कौन है? हाँ।
सॉरी बेबोस बेबोस दो दे एक्चुअली मैं काफी सुलबुला हूँ ना सुलबुला सुलबुला और खूबसूरत लड़कियों के साथ मैं जल्दी फ्रैंक हो जाता हूँ इसीलिए प्लीज बेबो आप अपनी फिल्म के बारे में बताइए ना आई थिंक बहुत ही अलग नॉवल कॉन्सेप्ट है तो आई थिंक ये फर्स्ट टाइम इंडिया में हो रहा है स्क्रीन पे कभी ऐसे कहानी दिखी नहीं है दिस इज जेन्युइनली अ वेरी क्वर्की फिल्म जो मर्द ऐसे होते हैं वो बुरा क्यों मानते हैं या सोसाइटी के सामने क्यों नहीं आना चाहते क्योंकि आप घर चला रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आप कम मर्द हो गए हंसा दिया सब मर्दों को सोचने वाली बात है क्या बात है बोलो आ गया मैं देख रही हूँ आने वाला मतलब बोरीवली का एमएलए तैयार है भाई क्या स्पीच दिया क्या बोला सर आपने अर्जुन कैसा एक्सपीरियंस था आपका करीना जी के साथ काम कर अब ये सवाल का जवाब मैं नए तरीके से कैसे दूं मुझे नहीं पता मैं इतनी तारीफ कर चुका हूँ इनकी कि अब लोग करिए गाली दे दो आप क्या कहना चाहेंगे अर्जुन पर अर्जुन को तो मैं काफी सालों से जानती हूँ बट इतना अच्छा एक्टर यार आई थिंक दैट इज समथिंग दैट आई वाज रियली फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस में देखने को मिला कि ही इज सो नेचुरल एंड ही इज आल्सो ही सो मच फन एंड सो क्यूट अच्छा अच्छा ओके चिंटूस क्यूट था हमारी तो बात भी नहीं की करीना जी ने मेकअप आज जाने दीजिए आप लोग के बारे में अब क्या बोलूं आप लोग हैं गंदे करीना जी हमने आपके बारे में पढ़ा था आपने कहा था कि कभी रणबीर कपूर के साथ आपको फिल्म मिलेगी तो भी आप करेंगी मतलब एज अ हीरोइन ऑपोजिट हीरोइन हीरोइन कैसे नहीं ऐसा हमने पढ़ा था आपने कहा कि मैं उसके साथ काम करूंगी कोई पर बहन भाई है तो कैसे बहन भाई है तो मींस ब्रदर सिस्टर का रोल ब्रदर सिस्टर का रोल करेंगे अर्जुन आप करेंगे सोनम कपूर के साथ कभी हाँ भाई बहन का रोल हाँ या दो दोस्त दो इसमें कोई बुरी बात नहीं पप्पू भी करेगा करीना के साथ भाई बहन का रोल क्यों क्यों फंसा रहे हैं क्या बुरी बात आप मुझे बात बताइए आप किस जन्म का बदला लेते हैं मुझसे इसी जन्म का वैसे ना करीना मैम आपका बहुत बड़ा फैन है पता आप जब आने वाले थे ना कह रहा था यार करीना ना मेरी इसलिए तो मेरी छोटी बहन है मतलब मैं इस रक्षाबंधन में क्या दूंगा सोच सोच के देखिए बेचारे के तोते उड़ गए सोचो अगर फिल्म देखने के बाद जो फिल्म में हो रहा है हर जगह वही होने लग जाए तो बहुत अच्छी बात है एक्चुअली सुनने में आया कि ये रियल स्टोरी है करीना की घर की सैफ भी घर पे बहुत सारा काम हम करते हैं इज दैट ट्रू आपको लगता है वो झाड़ू पोता करते होंगे उसके शक्ल पे दिखा है ऐसे दिखता वैसे या जवाब सब तो झाड़ू पोछा वाओ करीना मैम कभी नहीं सैफ अली सर ने कभी कुछ बना के नहीं खिलाया आपको कभी कुछ नहीं कभी आप आए तो पुलाव ऐसे बेबी आपके लिए कभी ऐसा नहीं हुआ उन्होंने और कुछ नहीं बनाया बस दीवाना बनाया मतलब मैगी भी नहीं तो कभी दो मिनट ऐसा मैगी बना के खिला दिया अंडा फोड़ के दे दिया हो कुछ भी नहीं सोफे से उठते ही नहीं है बस नॉट एट ऑल और उसको किचन का काम तो मींस आई डोंट थिंक दैट किचन में जाना भी चाहिए ये बात सही है जब कॉमेडी नाइट्स लाइव आता हो सोफे से आदमी कैसे उठेगा आदमी देखता रहता चिपक जाता है